सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलाविकारसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेन चम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोक स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुवछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठ विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्थिता हरति भीतिमशेषशङ्कः स्वस्थैः स्थिता मदिमदेव शुभम् ददाति। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगाणशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानां न पिबन्नराणां त्वामाश्रितायां क्षयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधाप्रसन्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशन। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यच्च प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा
मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमङ्गमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ताभावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिघाणा कलमञ्जीररञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रि कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहरणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्ती च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशाली सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती गतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च विद्धमाता फलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विश्वमाया जलाधरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वती कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेदावशताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवि सर्वैः सुरवरैरपि राजानौ दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुया घोरोचनालक्तगकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य गङ्गं विदिना विलिख्य भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे षद्भिषाङ्गते विलिख्य प्रभटे स्तोत्रं सर्ववे संवदापद इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्या कवचम
ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासौष्ठमातरोभिः दिगवन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बापीत्यर्थे सप्तशतीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि विदामः ब्रह्मावाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतापकारकं देव्यासो कवचं पुण्यं दशनुष्वा महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रकण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रि च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखाभयं न हि ये सुभक्तास्तु दानोऽणं येषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषि रक्षते दानसञ्चया वेदसन्तादु चामुन्ना भाराहि महिषासना एन्द्रीगरितमारुणा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारुणा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासनादे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना रामे हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येदा मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाट्या नानारत्नामशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ देव्या कोदसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च धुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गवायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यङ्गायुधानिर्थं देवानां च हिताय भै नमस्ते अस्तु महारात्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्ने आमग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैरित्यां गणगधारिणि प्रतिज्ञा वारुणि रक्ष वायव्यामृगवाहिनि उदित्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवी एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशववाहनां जया मे जाग्रदा पातु विजया पातु विश्रुतः अजिता वाम पार्श्वेदो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योदनी रक्षे धुमामूर्धने व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च प्रभो रक्षे दशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये धमघण्टा च नासिके
संगणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनि तवालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिकाम् अनेकामृतकला जिह्वायां च सरस्वती गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च कालुके कामाक्षी शिवकं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गला भीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवाभि कण्ठ नलिकाम्नलकोभरी स्कन्धयोः कर्गणी रक्ष बाहु मे भद्रदारिणी हस्तयोः दण्डनी रक्ष दम्बिका चाङ्गुलीश च नखाच्चूलेश्वरी रक्ष कुक्षौ रक्ष कुलेश्वरी करौ रक्ष महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौच कामनी रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा ऊननाकामिका मेडं गुहे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जाडुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनी भूर्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे दुदेजसि पादाङ्गुलीषुषि रक्ष पादादस्थलवासिनि रगादश्चाकराली च केशाचेहोद्रुकेशिनि रोमकूपेषु कौबेरे ध्वजं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसावासान्यस्ति वेदासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि सदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षच्छायां सत्येश्वरी तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापाणौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभनम् रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जागुणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यथा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुभदा रक्ष मार्गं क्षेमकरी ददा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदासिता रक्षाहीनं सुजस्तानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी द्वयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् परमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्तार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेषु पराजितः शैलाख्य तु भवेत् पूज्यः कवचेनाभृतः पुमान् इदं दोगेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पदे प्रयतो नित्यं त्रिसङ्ग्रं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्यश्व पराजितः जीवे वर्षशतं साग्रम् अपमृत्योऽभिवर्जितः न
नश्यन्ति व्याधयः सर्वलोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जगदीशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराक्षेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सजाकुलजा माला जागुनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा गौरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माणा वैरमादयः दर्शन्ति दर्शनाथस्तवचे हृदि संसदे मानो न देववे राज्ञस्तेजा वृद्धिकरं वरम् यशसा वर्धते स्वामि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं सत्य शरैरवरकारणम् तावत् तिष्ठति मे दिण्यं सन्ततिः पुत्रपात्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभम् रामरोदि पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनष्टवचन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमास्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्निहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमास्तु ते मधुकैटवविद्राभिधाति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि रक्तबीजावदे देवि चण्डमुण्डाविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि शुम्भस्यैव शुम्भस्य धूम्राक्षस्य समर्थिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि अजन्तरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि नरेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि सुभद्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि चण्डिके सततं जयत्वामर्चयन्तेह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमुच्चैः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि सुरासुरशिरोरत्ना निकृष्टजन्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिश दहि
विद्यावंतं यशस्वंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि प्रचंड दैत्य दर्भग्न चंडिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि हिमाचल सुदानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि इन्द्राणी पदि सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्भ विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि देवी भक्तगणोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिशो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवित्तानुदारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर सकुलोद्भवान् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः साधो सप्तशती संख्या परमा परोदि संपदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाय ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्ववेदद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वामिक्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाडनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवदां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामाङ्गानाशुकम् तत्र न किञ्चिदविविद्धते विनाशाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिवामरः विद्वा निमन्त्रयावास सर्वमेव विदम् शुभम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायासो तच्च गुप्तम् जगालसः स्वभाग्नेन च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणा स्वविषयमम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः कलादिपदि गृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिःशीलाम् विधायेनाम् नित्यम् जपते संस्मृतम् स्वसिद्धः स्वगरा स्वपि गन्धर्वो जायते नरः राजैवाप्यस्तस्य भयम् कापिह जायते नापवित्योवशम् जाति मृदो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्य दे बुधेः सौभाग्यादिकलक्षिञ्चिदृश्यते ललनायने तत्सर्वम् दत्तसादेन तेन जात्यामिदम् शुभम् षड्स्तूरप्यमाणे अस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परामाशः श्रूयते साणगिञ्जणैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण
विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा, स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती है श्री कंठ कुटुंब भोर कुटुंब भोर जय वैशाधुर मर रंग कपार दिन शैल सुते दुर मर वर जिन दुर दर दर छिन दुर मुख मर जिन हर जनते जंगर महा हम मल्ला
अभी अंत में कृष्ण भक्ति इस बार क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओम का रख्य गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रखे का नाद कीजिएगा। ओ बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इस अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी
आप ही हैं। सचियां जोतां वाली माता तेरी, जयकारा शेरां वाली जी दा सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस। देवतागण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, वो समूल रथ की माता आप प्रसन्न हो, में विशेष विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो, आधार भूता जगत स्वमेका, महि स्वरूप जदास्ते दासी, अपाम स्वरूप स्थित आप्याते कृष्ण लंघवीरे। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासि माया, सम्मोहितम देवी समस्त मेत, तुम वै प्रसन्ना भू मुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता सव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, त्वजे क्या पूरी तमम बजयत, काते स्तुति सभ्य परापरोक्ति। देवी समूल विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्री हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचियां जोतां वाली माता तेरी, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं, सब देवताओं पर भी जब कोई कष्ट आन पड़ा है अथवा उनकी कोई मनोकामना अपूर्ण रही है, और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है, तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है, और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के प्रजापति थे, जो देवताओं का कार्य करने में अति कुशल थे, परंतु किसी कारणवश वो इंद्र भगवान से द्वेष रखते थे। अतः उन्होंने तीन सिरों से युक्त एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम तिश्रा था। वो एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था, और तीसरे मुख से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। तिश्रा ने भोग का त्याग करके ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ की, जिससे इंद्र महाराज का सिंहासन डोल गया, और उन्होंने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु जब अप्सराएं उसकी तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पाई, तो स्वयं इंद्र भगवान ने आकर के अपने तीव्रगामी आयुध वज्र द्वारा तिश्रा का वध कर दिया, जिससे पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए, और उन्होंने पुनः अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा होम करके एक और पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने बित्तासुर रखा। बित्तासुर ने स्वर्ग पर आकुण करके इंद्र भगवान का ऐरावत हाथी छीन लिया। यद्यपि पिता त्वष्टा इससे प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने और शक्ति का संचय करने के लिए पुत्र बित्तासुर को परामर्श दिया, और बित्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके अवध्यता का वरदान प्राप्त कर लिया। अर्थात वो ना दिन में मर सकता है, ना रात में, ना अस्त्र ना शस्त्र से, और इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर आकुण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उस समय स्वयं इंद्र भगवान ब्रह्मदास शंकर जी को साथ लेकर के वैकुंठ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि बित्तासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है, उसने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए कोई ऐसी युक्ति करें जिससे बित्तासुर को वध हो। परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि उसको एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो अर्थात बुना तो दिन में मर सकता, ना रात में, ना अस्त्र ना शस्त्र से, इसलिए उसको छल कपट द्वारा ही मारा जा सकता है, उससे हमको संधि कर लेनी चाहिए और फिर उसको विश्वास में लेकर के
उसका वध कर देना चाहिए, और दूसरा कि उसकी बुद्धि मोहित हो, हमें दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। स्वयं सभी देवतागण जो दुर्गा माता की आराधना कर लेंगे, और इंद्र ने वित्तासुर के साथ मैत्री धारण कर ली, कभी वो नंदन वन में विहार करते हैं, कभी समुद्र के किनारे विहार करते हैं। एक दिन संध्या के समय जब दोनों समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे, उस समय इंद्र भगवान के मन में आया कि ये संध्या का समय न दिन है न रात है, इसलिए इसी समय इसका वध किया जा सकता है, परंतु ना ये अस्त्र से मर सकता है ना शस्त्र से। तब उन्होंने अपने वज्र को समुद्र के फेन से आलोपित कर दिया, स्वयं भगवान विष्णु उसमें अंश रूप में प्रविष्ट हो गए, और दुर्गा माता का ध्यान करके उन्होंने उस वज्र को वित्तासुर पर फेंका, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु सुन करके पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए, और उन्होंने इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप दे दिया, जिससे भयभीत होकर के इंद्र भगवान मानसरोवर में कमल के नाल में छुप के रहने लगे। स्वर्ग में इंद्र भगवान के न होने से अराजकता फैल गई, स्वर्ग भयभीत शून्य हो गया, अनावृष्टि होने लगी। तब देवताओं ने मिलकर के राजर्षि नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। यद्यपि नहुष धर्मात्मा थे, परंतु वो स्वर्ग की राजसी वृत्ति के कारण शची पर विषासक्त हो गए। शची पहले ही अपने पति के वियोग में दुखी थी, जब उसने देखा कि दूसरा राजा नहुष मुझ पर विषासक्त है, तो वो गुरु बृहस्पति की शरण में गई, और गुरु जी ने उसको दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। इंद्राणी ने दुर्गा माता की आराधना की और अपने एक दूती को साथ भेज करके उसके पति इंद्र भगवान के दर्शन कराए। शची ने अपनी सारी विपत्ति से जो इंद्र को अवगत कराया, उस समय इंद्र भगवान ने परामर्श दिया कि शची मैं तुझे युक्ति बता रहा हूँ, तू नहुष के पास जाना और उसे कहना कि मैं आपसे अवश्य मिलूंगी, परंतु आप ऐसे विलक्षण वाहन पर आरूढ़ होकर के आइए जिसका वहन जो दिव्य ऋषि कर रहे हूँ। उसकी बुद्धि को माता ने मोहित कर ही दिया था, उसने दिव्य ऋषियों को पालकी का वहन करने में लगा दिया, स्वयं उसमें बैठ दिया, जहाँ तक कि उसने अगस्त ऋषि के सिर को अपने पाँव से छुआ और सर्प सर्प कहा। उस समय अगस्त ऋषि ने उसे सर्प होने का श्राप दे दिया, जिससे वो अपने पद से च्युत हो गए और इंद्र भगवान को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता या घोर संकट पड़ जाते हैं, उसमें वे भी इन्हीं दुर्गा माता की आराधना करते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं, हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करने चाहिए, विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का ही प्रताप है। कलो ही चंडी विनायको, शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कली काल में दुर्गा माता चंडी तागन की आराधना करने से भक्तों को सद्या फल की प्राप्ति होगी। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप, और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विचे। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप
अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल प्यारे क्या लागे तेरा मोल। जय माता दी बोल प्यारे क्या लागे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। ताली का दुनिया जय माता, जय माता। मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया। मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया, मैया जी का नाम प्यारे जिसने प्रेम से गाया। उसको ही माँ जगदम्बे ने अपने धाम बुलाया, वही माँ जगदम्बे ने अपने धाम बुलाया। तुझको मुक्ति मिल जाएगी तू, जय माता दी बोल। मुक्ति मिल जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, जय माता दी बोल। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब चोरी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब चोरी। धरानी भूमो पशवास गोष्ठ नारी गृह द्वारे जना शमशाने, देह स्थितायां पर्णोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति जीवता। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। और भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी, भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। माया काम नहीं आएगी तू, जय माता दी बोल। माया काम नहीं आएगी तू, जय माता।
कर रहे हैं श्री यशपाल जय करा श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय चरण शीज नवाओ मैया दी जय बोलो शीश नवाओ मैया जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो
अद्भुत ये दिशे जवानी अद्भुत ये दिशे सवानी मादी झांकी बड़ी प्यारी मादी झांकी बड़ी प्यारी रज रज धर गर पाओ मैया दी जय बोलो रज रज धर सुन पाओ मैया दी जय बोलो पाओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो आओ 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 मैया दी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो आओ मैया दी जय बोलो श्रद्धा भक्ति सारे आओ चलिए दे दवारे आओ चलिए दे दवारे उच्ची बोल सुनाओ मैया दी जय बोलो उच्ची बोल सुनाओ मैया दी जय बोलो आओ 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 मैया दी जय बोलो कष्ट मिटांदी कष्ट मिटांदी मैया एक बारी अजमाओ मैया दी जय बोलो एक बारी अजमाओ मैया दी जय बोलो आओ 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 मैया दी जय बोलो अपनिया बना हामिया ने दर्जन बना
जयकारा शेरावाली दरबार की जय। ओ खुशियां नचन साडे वेड़े मां, खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे, खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे। ओ खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे, खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे। ओ लखमा एहसान है तेरे मैं गिनावा केड़े केड़े, लखमा एहसान है तेरे मैं गिनावा केड़े। लखमा एहसान है तेरे मैं गिनावा केड़े केड़े, लखमा एहसान है तेरे मैं गिनावा केड़े। मैं रखती सदा ख्याल कि तनु कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली मां मेरा वाली मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ओ खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे, खुशियां नचन साडे वेड़े सुख न फिर दे चार चुफेरे। ओ लखमां एहसान तेरे मैं गिनावा केड़े केड़े, लखमां एहसान तेरे मैं गिनावा केड़े। मैं रखती सदा ख्याल कि सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली मां मेरा वाली मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां मेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं, मां शेरा वाली साडे नाल सानू कोई चिंता नहीं। ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕੀ
ਨੇ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਓ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਸੌਖਾ ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੜਿਆ ਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆ ਚੜਾਈ ਗੁੱਟੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਓ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੇਂਦੀ ਆਪੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਛੋਟੀ ਕੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਲੰਘਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੁਖਨ ਫਿਰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸਾਡੇ ਸਾਨ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਾਵਾ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੱਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਕਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੱਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਕਾਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੋ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ
ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਨੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖਨ ਫਿਰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਣ ਸਾਡੇ ਸੁਖਨ ਫਿਰਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਦੀ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਆ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਈਆ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਮਈਆ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਮਈਆ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹਮਕੋ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ ਹਮਕੋ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹਮਕੋ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਤੁਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ ਭੁਲਾ ਹੁਆ ਥਾ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਹੁਆ ਥਾ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਹੁਆ ਥਾ ਰਾਸਤਾ ਭਟਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਂ ਭਟਕਾ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੁਝਕੋ ਆਪਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੁਝਕੋ ਆਪਕੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ 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 ਭਈਆ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਭਈਆ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਹਮਕੋ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹਮਕੋ ਤੁਮਹਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਨਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋਨੋ ਜਹਾਂ ਕੋ ਦਾਸ ਨੇ ਤਬ ਸੇ
दोनों जहां को दास ने तब से बुला लिया है। मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने जो इंसान बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके सर पे झुका दिया है। वो सर भी मैंने आपके सर पे झुका दिया है। वो सर भी मैंने आपके सर पे झुका दिया है, दिया है। वो सर भी मैंने आपके सर पे झुका दिया है। भैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इनका बना दिया है। रहती है कृपा आपकी हम सब पे हर घड़ी, रहती है कृपा आपकी हम सब पे हर घड़ी। माँ रहती है कृपा आपकी हम सब पे हर घड़ी, माँ रहती है कृपा आपकी हम सब पे हर घड़ी। भक्ति का मंत्र आपने, भक्ति का मंत्र आपने ऐसा सिखा दिया है। 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 भैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। ओ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। ओ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। चरणों की भक्ति ने जीवन सफल करो, चरणों की भक्ति दे तुम्हारा जीवन सफल करो। माँ चरणों की भक्ति दे तुम्हारा जीवन सफल करो, चरणों की भक्ति दे तुम्हारा जीवन सफल करो। मैंने ये अपना जीवन, मैंने ये अपना जीवन अर्पण तुझे किया है। 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 भैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। मैया तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है, दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है, दिया है। बना दिया है।
नमामि महिषासुर चंड मुंड कुंभासुर प्रमुख जय त्रिविनाशु दक्षा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीला चंडीम समस्त सुरमु त्रिमणे कुरूपा सचिया श्रोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवाई संबत 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 17 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष आज दशमी तिथि है। शनिवार तदनुसार 30 मार्च सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदा शुमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धान से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत में सभी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौर मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निशी दिन जावत मैया जी को निशी दिन जावत आई ब्रह्मा की गरी। ओम जय अम्बे गौरी भारत गौर विराज मैया जी को मृग मद को ओ जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद वदन को समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंदन पर दाजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग कपर धारी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल कोवित दाता दे मोदी मैया दादा दे मोदी चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर साम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विरार महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती ओम रवि लोचन ओम रवि लोचन Yeah,
चढ़ाइयां कठिन आ गया हूँ, चढ़ गए चढ़ाइयां कठिन आ गया हूँ, वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे, तत्पश्चात माता जी आरती होगी, आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी, सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना, प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, आहोई वेला जय माता दी, प्रातः वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बोला दी जय माता दी, भक्त बता दी जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, दुनिया कर दी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, सोलह आने जय माता दी, गोदा रजी जय माता दी, वीर रजी जय माता दी, लाल रजी जय माता दी, पानी सुनिया जय माता दी, उच्चे बोलिया जय माता दी, हथवी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, जोड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदरा वाली जय माता दी, खंडिया वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गोपा वाली जय माता दी, वाली जय माता दी, कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, चंडी रानी जय माता दी, वैद्य देवी जय माता दी, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा, दरबार शेरा वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनाथ, शरणागत दीनाथ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहिनो देवी, भयवस्त्राहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं, सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। कृत में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश, जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया कर चौसठ घड़ी
सर्वदा करने वाली माता तेरी सदा, सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदा, खुला चुका माँ करने वाली माता तेरी सदा, गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा, लोकरा भी ठाको तेरी सदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्म की जायो, धर्म की जायो, धर्म का नाशो, धर्म का नाशो, धर्म का नाशो, गानियों में सद्भावना हो, गानियों में सद्भावना हो, गानियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो, भारतवर्ष महान हो, भारतवर्ष महान हो, हर हर महादेव, बोलो बाबा शिव की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, प्रो सच्चे दरबार की जय, पूज्य गुरु महाराज की जय, पूज्य माता पिता की जय, प्रो सच्चे दरबार की जय, सबकी मनोकामना पूरी हो, जयकारा शरवणी का आगे शाल लाना है कि नहीं, शाल दिए शाल कम है ਸਰਵਾਲ
से शिवा दो जो जो से जो शिवा देना जो जो से ठीक है बाद निकालो हाथ निकालो बाद ये वाला जो जो से सबकी दो जो जो से दो जो जो से देवी सर्वेश्वर शक्ति रूप